हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम और आप सभी का नीलम जैकाइन लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ टमाटर की ऐसी मज़ेदार और चटपटी रेसिपी जिसे बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। इतनी चटपटी और मज़ेदार बनती है कि आप 2 की जगह 4 पराठे पूरी खा सकते हैं। इस चटनी को आप किसी के साथ भी खाइए, जैसे रोटी, पूरी, पराठे या फिर इसे साइड डिश की तरह इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। टमाटर की चटपटी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले टमाटर। बिल्कुल फ्रेश टमाटर हमने लिया है और इसे हमने पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो चलिए हम इसे पहले करेंगे कट। तो इसके लिए हम एक चाकू लेंगे और चाकू की मदद से हम इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि टमाटर हमने लिया है 700 ग्राम। आप चाहे तो इससे ज़्यादा का भी एक साथ बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और 2-3 दिन तक आराम से खाते रहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टमाटर को कट कर लिया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इस चटनी को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पैन और पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पर तेल हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस थोड़े से तेल में हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। पैन को हीट कर लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई या फिर सरसों, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें मेथी दाना, 1/2 टीस्पून ऐड कर लेते हैं सौंफ, इससे टेस्ट चटनी का कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए साथ में हम इसमें 2-3 सूखी लाल मिर्च को भी ऐड कर लेते हैं और तेज पत्ता हमने डाला है। और चटनी थोड़ी तीखी बने इसके लिए हम 2 हरी मिर्च को कट करके मिला लेंगे। साथ में हम एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से करी पत्ता। तो चलिए इन सभी को हम थोड़े से चटकने देते हैं। मसाले यहाँ पर फ्राई हो गए हैं, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़े से नारियल, किशमिश और काजू। तो सबसे पहले आप नारियल को इस तरह से पतले पतले शेप में कट करके रख लीजिए। इसे करीब 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, इसे ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम धीमी रखें। तो चलिए हम कुछ मसाले को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ में हम मिला लेते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारे चटनी का कलर और भी खिलकर आएगा। तो चलिए इन सभी मसाले को हमें 10 सेकंड तक फ्राई करना है। यहाँ पर फ्राई करते हुए 10 सेकंड हो गया है, तो जो हमने टमाटर को कट करके रखा था उसे हम मिला लेते हैं। तो बस इसे करना कुछ नहीं है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है उसे मीडियम रखें। मसाले यहाँ पर तो मिक्स हो गए हैं, तो इसमें हम मिला लेंगे अब थोड़े से नमक। तो नमक हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा टमाटर ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से नमक को ऐड करें। तो आज हमारी चटनी में 4 फ्लेवर आनी चाहिए। तो हमने हरी मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है और टमाटर तो पहले से ही खट्टी होती है। अब हम चटनी को मीठी बनाने के लिए 100 ग्राम हम गुड़ इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो आधी गुड़ और आधी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम हमने गुड़ लिया है तो आप 50 ग्राम चीनी डाल दीजिए और 50 ग्राम गुड़ और साथ में 1/2 कप हम इसमें पानी मिला लेंगे। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना होगा और इसे हम कर देंगे कवर, ताकि जो चटनी है ना वो धीरे धीरे से कुक हो और गैस का जो फ्लेम है उसे हम लो कर देंगे। तो चलिए इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो गया है, तो आप देख सकते हैं टमाटर पहले से काफ़ी गल गई है। इसे हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और फिर से हम इसे कवर कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। तो आइए हम फिर से चटनी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसे हम इसी तरह से थोड़े से क्रश करते हुए इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो भी टमाटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ में हम थोड़े से ऐड कर लेंगे पुदीने के पत्ते, बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं, इसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे मिलाने से चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर पुदीने पत्ते हैं तो मिला लीजिए और नहीं है तो आप इसे स्किप करें। तो अगर आपका टमाटर की चटनी बनाने का तरीका अलग है तो आप इस तरह से एक बार बनाकर देख सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बनाना भी एकदम आसान है। हमारी तैयार हो गई है, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और चलिए हम चलते हैं फटाफट से गर्मा गर्म सर्व करने।
इस टमाटर की चटनी को आप किसी तरह से भी खा सकते हैं, जैसे गर्म खाइए या फिर इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फिर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर की चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। थोड़े से हमने धनिया पत्ती और काजू से गार्निश कर लिया है। आप इस चटनी को पूरी के साथ खाइए, पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आज हमने गोभी पराठा के साथ इस चटनी को सर्व किया है, क्योंकि पराठे के सीजन है भाई, तो पराठे खाना तो बनता है। और साथ में हमने बनाया है लौकी का रायता और धनिया की चटनी। तो आज तो मैं लौकी का रायता वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन अगर आप इसका रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज की हमारी खट्टी मीठी तीखी और चटपटी चटनी की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।